बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि हम इस चैनल पर आपके साथ रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे और उन्हें ज़ेरे बहस लाएंगे। तो यही सिलेक्शन करते करते एक ख़बर समाज से गुजरी कि एक पंजाबी फिल्म इंडिया और पाकिस्तान के एक्टर्स ने मिलकर बनाई है। तो ये खबर मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी और अच्छी भी लगी, और ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना ये फ़िल्म देखी जाए। लेकिन पता चला कि ये फ़िल्म पाकिस्तान में अभी किसी वजह से नहीं हुई रिलीज़, तो नेट पर हमें इसका ट्रेलर मिला है। तो हम ये देखते हैं वो ट्रेलर के आखिर इसमें क्या डिस्कस किया गया है। मैं भी इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके जो मेन हीरो हैं वो अमरिंदर गिल हैं और वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। सो मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं जी, आपके साथ मिलकर फिर इस पर बात करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तेरा गाना सुने मैनू नींद नहीं आती। वो नहीं चाचा, अज नहीं घर टुटे पे हैं, उठो मैंने पुलिस की आवाज कटना। पाकिस्तान के एक्टर्स को मिला कर ये एक ऐसी काविश की है कि जिससे प्यार को फ़रोग, मोहब्बत को फ़रोग मिलता है। और कहानी बहुत अच्छी लग रही है मुझे कि जो मेहनत कश यहाँ से दूसरे ममालिक में मेहनत करने जाते हैं
उनको कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वहाँ जाकर वो कितनी भी आपस में अदावत रखते हो तो वो एक जैसे हो जाते हैं और वहाँ पे कोई छाप नहीं रहती उनके अलहदा होने की। तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा वो जो पाकिस्तान के फिल्म और स्टेज के आजकल के बड़े अच्छे एक्टर हैं नासर चनियोटी साहब, इफ्तखार ठाकुर और अकरम उदास, तो ये ज़बरदस्त हैं। चनियोट के नासर चनियोटी साहब, जैसा कि अपने नाम के की मुनासबत से उनका नाम चनियोटी है तो वो चनियोट के रहने वाले हैं, और इफ्तखार ठाकुर साहब का तलक मियाँ चुन्नू से है, और अकरम उदास साहब भी बहुत अच्छे हमारे एक्टर हैं, और बबू बराल साहब जो एक हमारे स्टेज एक्टर होते थे उनका नेमल बदल है। तो इंडिया के अमरिंदर गिल साहब की तो क्या बात है, सीमी चहल एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये गालबन अम्बाला से इनका तलक है और कैनेडियन नेशनलिटी है इनके पास, और ज़बरदस्त है यार कि जो कहानी जो इशू जो बातें मुल्कों के हुक्मरान कहते हुए झिझक जाते हैं, फिल्म एक ऐसा सोर्स है कि उसके ज़रिए वो बात मोहब्बत की बात वो बड़े आराम से कह दी जाती है। जी न्यू जनरेशन, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? द फर्स्ट थिंग आई लर्न टुडे इज दैट यू हैव टू स्ट्राइव सो हार्ड टू गेट मनी इन दिस वर्ल्ड। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यस एंड द सेकंड थिंग आई लर्न टुडे इज लव इज बेटर देन हेट्रेड। So guys, don't forget to like, subscribe and share the video and give us more awesome ideas for later videos in the comment section down below. Until then, Allah Hafiz. Take care. See you again.